प्रथम लागू दो चरण को धनियन छुड़ायो खिन लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन मेरे जीव के यही जीवन क्यों ना होए प्रेम इनको जो रहे इन मोहल मंदिर दिल दे बिहार करत है ले दिल धनी अंदर ले दिल धनी अंदर क्यों ना होए प्रेम इनको प्राणेश्वर अक्षरातीत ने परिक्रमा ग्रंथ के इस प्रकरण में हमें बताया है कि प्रेम परम धाम में ही क्यों है। हम सब सुंदर साथ इस संसार में चाहते हैं कि हमारे अंदर भी प्रेम आ जाए, किंतु प्रेम क्यों नहीं आता। इस संसार की जो रचना है वो प्रेम के धाम के पूर्णतया विपरीत है। वाणी क्या कहती है, इसी प्रकरण में कहा गया है, प्रेम तो शब्दातीत कहया जो हुआ ब्रह्म के घर सो तो निराकार के पार इत दुनि पावे क्यों कर। ये सारा जगत त्रिगुणात्मक है और त्रिगुण के अंदर प्रेम नहीं आ सकता, सत्व रजतम के अंदर प्रेम नहीं आता। जहां सत्वगुण रजोगुण तमोगुण है, तीनों गुणों की अलग अलग स्थिति है। जब मनुष्य में तपोगुण का प्रकटीकरण होता है तो अज्ञानता का अंधकार छा जाता है, काम क्रोध मद लोभ अपने पूरे चरम पर होते हैं। ऐसी अवस्था में वह दिव्य प्रेम कहाँ से आ जाएगा। दिव्य प्रेम कहाँ बसता है, प्रेम बसे पिया के चित्त, राज्य के हृदय में प्रेम का निवास है, उसी को इश्क कहते हैं। इश्क प्रेम दो नहीं है, भाषा भेद है, एक अरबी का शब्द है इश्क और एक प्रेम जो है हिंदी संस्कृत का शब्द है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि प्रेम योग माया में है और इश्क परम धाम में है। तभी तो कहा है प्रेम बसे पिया के चित्त, राज्य के हृदय में प्रेम है और वही मार्फत स्वरूप है। या के प्रेमी के वस्त्र, या के प्रेमी के भूखन, या के प्रेमी के सहज स्वभाव, सब कुछ प्रेममयी है। हम सोचते हैं कि हमारे अंदर ये प्रेम क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि हमारा यह शरीर त्रिगुणात्मक है, सत्व रजतम का है। जब हमारे अंदर तमोगुण का प्रबल वेग होता है तो निश्चित है कि हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की आंधी चल रही होती है। जब रजोगुणी अवस्था आती है तो ऐसा लगता है कि दुनिया का सारा बोझ हमारे सिर पर है, हमें ये भी करना है ये भी करना है। रज और के अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बने रहते हैं, किंतु काम की प्रवृत्ति ज़्यादा रहती है कि ये भी काम करना है। सत्वगुण जब प्रकट होता है तो ऐसा लगता है कि ये संसार तो झूठा है, हमें राज्य के ज्ञान की तरफ लगना चाहिए, भक्ति में लगना चाहिए और राज्य को पाना चाहिए। ये विचार कब आते हैं, जब हमारे अंदर सात्विक भावना आती है। सतोगुण में मनुष्य ऊपर उठता है, रजो रगात्मकम बिन तृष्णा संग समुद्भवम। गीता कहती है यदि हमारे अंदर रजोगुण का भाव पैदा होता है तो इसमें तृष्णा पैदा होती है, लोकेष्णा वित्तेष्णा दारेष्णा, संसार में हमारी प्रतिष्ठा हो जाए, खूब धन हो जाए, संगे संबंधियों का शिष्यों का मोह खड़ा होता है, ये रजोगुण की स्थिति है। इसमें आसक्ति होती है, आसक्ति प्रेम नहीं है। पति पत्नी में आसक्ति होती है, माता पिता में आसक्ति होती है, भाई बहन में आसक्ति होती है, और जानते हैं दोनों में झगड़े भी होते हैं। दो लड़के लड़कियों का विवाह ना हो तो दोनों ट्रेन से कटकर जान दे देते हैं, इसको प्रेम नहीं कहते हैं। गहन आसक्ति है, कल्पना कीजिए उनका विवाह भी हो जाता है तो 6 महीने के बाद उनमें मनमुटाव भी होने लगता है, तलाक तक की नौबत आ जाती है, मारपीट भी आ जाती है, किंतु प्रेम तो अक्षरातीत के हृदय का बहता हुआ रस है, उसमें मारपीट तो नहीं होनी चाहिए।
जब 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 राग की प्रबलता होती है तो आप देखिए दोनों कहते हैं कि हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, बाद में कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ जी नहीं सकते, हमें अलग होने के लिए तलाक लेना पड़ेगा। ये कैसे दुनिया है, परम धाम में कौन किससे अलग होगा? चंद्रमा सूर्य, चंद्रमा अपनी चांदी से अलग नहीं हो सकता, सूर्य अपनी किरणों से अलग नहीं हो सकता, शक्कर अपनी मिठास से अलग नहीं हो सकती, तो उसी तरह से अक्षरातीत कभी भी आत्माओं से अलग नहीं हो सकती। प्रेम शब्दातीत है, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में जो खेले स्वरूप ब्रजरास, हमने संसार में उसको ढूंढने का प्रयास किया इसलिए भटका हो जाता है। वाणी क्या कहती है, सुख व्यास कहे भगवत में प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में जो खेले स्वरूप ब्रजरास, जहाँ सत्व रचतम है वहाँ प्रेम नहीं। सत्वगुण में प्रेम की नहीं होता, स्नेह की अवस्था तो होती है, पवित्र चाहत उसको स्नेह कहते हैं। जैसे देखिए माँ अपने 2 साल के बच्चे को दूध पिलाती है, भूखो रहती है, उसके उसको गीले कपड़े पर सोने नहीं देती, स्वयं पूरी रात गीला कपड़ा पर काट देती, कष्ट सहकर 9 माह गर्भ में धारण करती है, तर जन्म देते समय भी भयानक पीड़ा को सहती है, उसके मलमूत्र उठाती है, क्यों? उसको कोई स्वार्थ नहीं है, कोई चाहत नहीं है, लेकिन उसके हृदय में जो एक ममता है, एक पवित्र चाहत है अपनी संतान के लिए, वो उस समय कार्य कर रही होती है। और सच पूछा जाए तो वही एक पवित्र चाहत है जो इस सृष्टि के अस्तित्व को बनाए रखती है। किसी समय भाई भाई में भी बहुत स्नेह होता है, छोटे होते हैं एक थाल में खाते हैं, एक साथ सोते हैं, लेकिन जब बड़े होते हैं, विवाह हो जाते हैं, उनकी पत्नी आ जाती हैं, तो वही भाई भाई लड़ने भी लगते हैं। अब देखिए सृष्टि में समय के अनुसार सब बदलता जाता है। जो माता पिता अपने बच्चों को गोद में पालते हैं, कठोर परिश्रम करके उसको योग्य बनाते हैं, जब वे बूढ़े हो जाते हैं और दादाजी बन जाते हैं, तो दादाजी को खांसी आ गई तो पोते कहते हैं कि दादाजी अब ज़्यादा खांसते हैं, हमें डिस्टर्ब होता है, और अपने ही बनाए हुए घर में पराए की तरह रह रहे होते हैं, सोचते हैं कि हमारे पोतों को हमसे बाधा पहुँच रही है। क्यों? माया का संसार है। जिनको पाला पोसा वो पराए हो जाते हैं, तो ऐसी सृष्टि में प्रेम कहाँ से खोजेंगे? कई कोट ब्रह्मांडों न पाइए, करोड़ों ब्रह्मांड में भी प्रेम नहीं मिल सकता, प्रेम कहाँ मिलेगा? आशिक नाम अल्लाह का कहा कुरान में, आशिक किसको कहते हैं? रोम रोम में रम रहया पीव आशिक के अंग, इसके ले ऐसा किया कोई हो गया ये कह रहा हूँ। आशिक के रोम रोम में उसका मासूक बसता है, परम धाम की आत्माओं के रोम रोम में उनका प्रीतम बसता है, और राज्य के रोम रोम में परम धाम की आत्माएं बसती हैं, क्योंकि दोनों का दिल एक है। यहाँ स्थिति ये है, एक परिवार है, कहीं पिताश्री का स्वभाव दूध मिश्री की तरह है तो माँ लाल मिर्च, कहीं माँ दूध मिश्री है तो पिताश्री लाल मिर्च है। पति पत्नी में स्वभाव में अंतर, पिता पुत्र के स्वभाव में अंतर, भाई भाई के स्वभाव में अंतर, तो प्रेम किससे करेंगे? कई समस्याएं हैं। चलिए आप सब जानते हैं श्री देवचंद जी के तन में 1678 से लेकर 1712 तक राज्य ने लीला की, उसके पश्चात मीराज के धाम हृदय में राज्य बैठते हैं, 1751 में वो अंतर्धान लीला होती है, लेकिन ब्रज जैसी दीवानगी बहुत कम आती है। क्यों? ब्रज में सौंदर्य कार्य कर रहा है, संबंध का पता नहीं। कृष्ण का मनोहर रूप है और उस मनोहर रूप में पूरा ब्रज पागल है, गोपियां तो पागल हैं, ग्वाल बाल भी पागल हैं, नंद जसोदा भी पागल है, राज्य का आवेश नहीं है, फिर भी वो जो गोलोक अखंड की शक्ति आती है, जिसको हम बोलचाल की भाषा में गोलोकी कहते हैं, ब्रज से मथुरा चले गए होते हैं, और गोपियां सवेरे से प्रतीक्षा करने लगती है कि आज मेरा हमारा कन्हा आएगा, कन्हा आएगा। यशोदा भी बाट देखती देखती है, राधा भी बाट देखते देखते यही विरह में छोड़ी दे सो पहुंची जहां स्वरूप सने। 100 वर्ष विरह में तड़प तड़प कर गोपियों ने शरीर छोड़ दिया, 1-2 ने नहीं,
36,000 सखियों ने 100 वर्षों तक विरह में अपने को गुजारा और कृष्ण के विरह में शरीर छोड़ा। ब्रज से राज जाते समय भी 36,000 ने केवल बांसुरी की आवाज़ सुन करके शरीर छोड़ा। अब देखिए, सोरस ब्रज की सुंदरी पायो सुगम, सो सहजे घर आया जाको वेदे कहे आयागम। जिस निराकार को बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी अवतार तीर्थंकर पार नहीं कर पाए, गोपियों में ने चुटकी बजाते हुए पार कर लिया। किसके बल पर? क्योंकि उनके पास केवल प्रेम था। अब प्रश्न ये होता है, क्या जागने ब्रह्मांड में वो प्रेम नहीं है? जागनी ब्रह्मांड में प्रेम तो है, वो समझ का प्रेम है। ब्रजराज में प्रेम हो तो लक्ष्य बिन प्रेम था, लक्ष्य के बिना मूल संबंध के कारण प्रेम है, किंतु दोनों के प्रेम में एक अंतर है। देखिए, ज्ञान प्रेम का प्राण है और प्रेम ज्ञान का प्राण है। इश्क इल्म की आत्मा है और इल्म इश्क की आत्मा है। ब्रज में सौंदर्य है, श्री कृष्ण का एक मधुर सौंदर्य है। मूल संबंध के कारण जब वह सौंदर्य का स्वरूप क्रीड़ा करता है छोटा बालक 6 साल का 7 साल का, और तो और छोड़िए 2 दिन के कृष्ण के प्रति गोपियों का अथाह प्रेम है। कृष्ण की एक मधुर मुस्कान पर सारा ब्रज पागल हो जाता है। जब वो कृष्ण का तन बांसुरी बजाता है तो गायें भाग भाग कर आ जाती हैं, पूरे वन में सन्नाटा छा जाता है। सबको प्रेम में किसने डाला? एक पशुओं को भी प्रेम में कौन डाल रहा है? एक मोहनी सूरत है श्री कृष्ण की, लेकिन वो तन तो मिट्टी का है। उम्र बढ़ती है, जब घर के द्वारा बंदिशें लगाई जाती हैं कि तुम कृष्ण के साथ कहाँ जाती हो, गोपियों को ये बहुत अखरती है बात, लेकिन सामने एक प्रतिष्ठा का आवरण बन जाता है, समाज क्या कहेगा। परिणाम वो गोपियाँ जाने से मना करने लगती है। 11 वर्ष की आयु होते होते 52 दिन का रोष प्रारंभ हो जाता है। एक ही ब्रज में है श्री कृष्ण, जब पहले बछड़ों को लेकर के वन में जाते थे तो गोपियों का पूरा दिन रोते रोते बीत जाता था। हमारा कन्हा कब आएगा, कब आएगा, न भोजन अच्छा लगता है, न काम अच्छा लगता है। जब शाम को कृष्ण आ गए तो लगता है कि उनके जीवन का आधार आ गया। ज्ञान नहीं है कि इस बालक से हमें प्रेम क्यों है, परम धाम का संबंध खींच रहा है। उसका सौंदर्य, उसका एक एक शब्द लगता है कि सबके हृदय में प्राण डाल रहा हो। इसलिए गोपियाँ भी श्री कृष्ण के बिना रह नहीं पा रही। यशोदा और वस्त और नंद जी के अंदर परम धाम की आत्मा नहीं है, परम धाम की आत्मा केवल गोपियों के तन में है। ग्वाल बालों के अंदर भी परम धाम की आत्मा नहीं है, किंतु न ग्वालपाल रह पा रहे हैं, नंद यशोदा रह पा रहे हैं। जब बांसुरी बजती है तो केवल गोपियाँ तन छोड़ पाती हैं। हाँ, वैसे तो इस ब्रह्मांड का प्रलय हो गया था, कोई बचा ही नहीं था, फिर भी राज में कौन पहुँचता है? 24,000 कुमारिकाओं की आत्मा और 12,000 ब्रह्मसृष्टियाँ अपने जीव के साथ। इस जागने के ब्रह्मांड में लगभग 350 वर्षों से परम धाम की बांसुरी बज रही है। योग माया की बांसुरी ने प्रेम में दीवाना कर दिया और पलक झपकते 36,000 ने अपना तन छोड़ दिया, योग माया के ब्रह्मांड में पहुंची, राज्य से मिलन कर लिया। नींद में होते हुए भी एक जुनून है कि हमें कृष्ण से मिलना है। आज समझ से दो चीजें प्रकट हो रही है। लाभ ये हो रहा है कि हम राज्य के सिवाय किसी को अपने हृदय में प्राथमिकता नहीं दे सकते। ब्रज में गोपियों ने कह दिया था कि कन्हा कुछ भी है, तू तो परपुरुष है, तुम्हारे साथ हम कैसे जा सकते हैं, तू कामिन निर्लज कछुन देखी सासुड़ी दे मोहिकार, ग्रंथन में एक प्रकरण आता है। इस जागने ब्रह्मांड में यदि कोई सुंदर साथ झूठ भी बोलता है, लोभी लालची भी है, कामी क्रोधी भी है, फिर भी अपने हृदय में गणेश जी को नहीं बसाएगा, शंकर जी को नहीं बसाएगा, नारायण को नहीं बसाएगा, 5 मिनट के लिए भी याद करेगा तो हे राज जी, हे श्यामा जी, और यही कहेगा कि मेरा तन मन केवल आपके लिए है, और किसी को दिल नहीं देना चाहेगा।
हाँ, जब तक माया में फंसा है भले ही वो प्रेम कम करेगा। पत्नी के लिए कुल्लू का बैल बनेगा, पत्नी पति के लिए सर्वस्व निछावर करेगी, लेकिन 24 घंटे में एक पल अवश्य आता होगा, एक मिनट दो मिनट के लिए, चाहे पुरुष हो या स्त्री बालक हो, सबके अंदर ही वो घड़ी आती है जब दोनों सोचेंगे कि नहीं मेरे तो पहले राज्य है। एक बच्चा भी पहले कहेगा कि मेरे दिल में तो राज्य है, केवल राज्य। ये ज्ञान, क्योंकि प्रेम का प्राण ज्ञान है। ब्रज में सौंदर्य का आकर्षण होते हुए भी प्रेम है, लक्ष्य नहीं है कि हम किससे प्रेम कर रहे हैं। प्रेम के नशे में सबने शरीर भी छोड़ दिया, लेकिन ज्ञान नहीं था। आज ज्ञान है, लेकिन वो प्रेम की रसधारा सूख गई, उसके स्थान पर रज और तम की अधिकता है। इसलिए हम वाणी तो पढ़ते हैं, किंतु हम आपस में ईर्ष्या द्वेष करते हैं, आपस में झगड़ते हैं, आपस में एक दूसरे को बुरा कहते हैं, किसी की शक्ल देखने के लिए राजी नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर तमोगुण का प्रभाव है। राज जी ने क्या किया है, देखिए, राज जी ने अपना नख से सिख तक 7 बार श्रृंगार वर्णन किया है। किस लिए? जो ब्रज का स्वरूप है वो पंचभौतिक तन है, उस पंचभौतिक तन में भी एक अलौकिक सौंदर्य है, मूल संबंध है, राज्य का आवेश है। इसलिए मूल संबंध है एक ही अंगे विलसत वल्लभ साथ, मूल संबंध के कारण राधा कृष्ण में प्रेम है। मूल संबंध नहीं होता तो सखियां कृष्ण से प्रेम नहीं करती, लेकिन इस संसार का संबंध है, ज्ञान नहीं है। उनको लगता है कि जब समाज ने हमें पति दिया है तो हम अपने पति को छोड़कर कृष्ण के साथ हम रासलीला क्यों करने जाए। ज्ञान कहता है, तारतम ज्ञान का प्रकाश कहता है, हर ब्रह्मात्मा जानती है यदि वो स्त्री के तन में है तो पति को कहेंगे कि पतिदेव आप मेरे शरीर के पति हैं, मैं आपकी सेवा करती हूँ, भोजन देती हूँ, आपके बच्चों की देखभाल करती हूँ, किंतु मेरी आत्मा का अपना सुख है, आप हनुमान जी की पूजा करना हो करो, लेकिन मैं तो अपने राज्य को ही मानूंगी। क्यों? क्योंकि उस ज्ञान ने उसकी निष्ठा को प्रबल कर दिया है कि प्राण जाए लेकिन राज्य से निष्ठा नहीं टूटनी चाहिए। इसलिए ब्रजराज में प्रेम क्यों था? क्योंकि मौत का कष्ट नहीं था, सभी किशोरावस्था में थे, बुढ़ापे का कष्ट नहीं था। जब से राज्य ब्रज में आए किसी को गरीबी का कष्ट नहीं झेलना पड़ा। कंस का अत्याचार हो रहा है, कई विपत्तियाँ आती हैं, लेकिन एक इशारे मात्र से सब भग जाती हैं। इस संसार में जागने के जो ब्रह्मांड है इससे अलग है। देखिए, रास में प्रेम करना कोई बड़ी बात नहीं है, वह भूमिका ही ऐसी है जहाँ मरने का डर नहीं है। आपका विवाह होता है, आप सोचते हैं कि गृह जीवन बहुत सुंदर होगा, एक महीने के बाद पता चलता है कि पत्नी को ये बीमारी हो गई और शरीर छोड़ गई, आप किससे प्रेम करेंगे? आपने प्रेम का एक खूबसूरत बाग लगाया कि मेरी पत्नी सुंदर होगी, पढ़ी लिखी होगी, मुझे खूब चाहेगी, पत्नी ने भी नई नई कल्पनाएं की हैं। पत्नी से पति जुदा हो गया, पति से पत्नी जुदा हो गई, तो उनके प्रेम का फूल तो मुरझा गया। ब्रज में ये दुखदायी दिन देखने को नहीं मिला, रास में ये दुखदायी दिन देखने को नहीं मिला, और योग माया के ब्रह्मांड में तो ऐसा है, हेम जवेर के बन कहूँ तो भी ये झूठी वस्तु, एक एक पत्ते में इतना प्रकाश है कि करोड़ों सूर्यों का प्रकाश छिप जाए। आप परमधाम की ब्रह्म सृष्टि है, झोपड़ी में रहते हैं, सावन भादों में तेज वर्षा आ गई, झोपड़ी उखड़ गई, पैसा है नहीं, सोचते हैं कि राज्य इतना कंगाल बना दिया है कि बरसात में हमें भीगना पड़ रहा है, तो उतने समय के लिए तो खिन्नता आएगी, प्रेम किससे करेंगे? यहाँ हर पल मौत डरा रही है। आप 80 साल के होते हैं, चेहरा झुर्रियों से भर जाता है, दांत टूट गए होते हैं, बालों में सफेदी आ गई होती है, अब उस साल आप प्रेम कहाँ से करेंगे, किससे प्रेम करेंगे आप? मैंने बताया कि शादी से पहले जो कहते थे कि तुम्हारे बिना हम जी नहीं सकते, वो बाद में कहने लगते हैं कि तेरे साथ तो हमारी नहीं पटेगी, कोर्ट में चलो जैसे भी करो, मारपीट भी होती है, शकल देखने को राजी नहीं, भाई भाई लड़ते हैं, पिता पुत्र लड़ते हैं, पति पत्नी में लड़ाई होती है, पिता पुत्र सारे रिश्ते ऐसे लगते हैं कि हमारे दुश्मन हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ संसार की तृष्णाएँ बहुत जोर मारती हैं, धन के लिए लड़ाई होगी, पद के लिए लड़ाई होगी, प्रतिष्ठा के लिए लड़ाई होगी,
हम सुंदर साथी हैं, भले ही वैद्यत के तन कहलाते हैं। हम कहीं दो सुंदर साथ चले जाएं, एक की खूब पूछो, एक की नहीं पूछो, लगता है कि हम गए गुजरे हैं क्या। वहाँ प्रतिष्ठा ने हमें दरार डाली, कहीं धन ने दरार डाली, कहीं किसी ने दरार डाली, लेकिन जहाँ हर वस्तु अनंत में है, राज्य का सौंदर्य अनंत है, ऐश्वर्य अनंत है, परम धाम के नूर की एक कंकरी आ जाए तो ये ब्रह्मांड खाक हो जाएगा। आप सोचिए, आपको 350 वर्षों से विक्रम संवत 1712 से वाणी का अवतरण प्रारंभ होता है, मूल रूप से 1715 में होता है, किंतु उसके पहले कुछ प्रकरण उतर चुके थे जिसमें मेरे राज की छाप है। आज लगभग काफी 100 वर्ष हो गए, इतने समय के अंतराल में हमने इस संसार को बहुत कुछ देखा है। हमारी आत्मा न जाने कितने तनों पर बैठी होगी, सुख दुख देखा होगा। अब तारतम ज्ञान का प्रकाश सुनते सुनते इतने साल हो जाते हैं। यदि आपको 12 वर्ष की 15 वर्ष की उम्र में तारतम ज्ञान का प्रकाश मिलता है, आप 25 साल तक होते होते खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार सब पढ़ जाते हैं, राज सामाजिक का नक से सिख तक श्रृंगार सब पढ़ जाते हैं, हृदय को उद्वेलित, क्या कहें, हृदय को प्रेम के नशे की एक रस देने वाली वाणी जो हमें बार बार पुकार कर कहती है कि मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल। जब आप गहराई से पढ़ते हैं तो सोचते हैं कि राज्य का मुखारविंद मैं कैसे देख लूं। जब आप श्रृंगार ग्रंथ में राज्य के होठों का वर्णन पढ़ते हैं, ठुड्डी का वर्णन पढ़ते हैं, गले का वर्णन करते हैं, हृदय कमल का वर्णन पढ़ते हैं, तो आपके मन में भी एक आकांक्षा होती है कि कदाचित उसकी एक झलक मुझको मिल जाए तो हम सब छोड़ दें। सब सुंदर साथ पहले तो शर्त रखते हैं, कहते हैं कि हम चितवनी कैसे करें, एक बार राज्य झलक दिखा दें तो हम चितवनी प्रारंभ कर देंगे। देखिए, पहले व्यापार का ये संसार है। बेटा कहेगा कि माता पिता यदि मुझे नहीं पढ़ाते हैं तो ऐसे माता पिता से हमारा कोई मतलब नहीं। माता पिता कहते हैं कि यदि बेटा कमा कर नहीं लाता है तो ये सबसे निकम्मा है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं, इसको हम घर से निकाल देते हैं। कुछ भूल होती है तो माता पिता भी निकाल देंगे, बेटा भी साथ छोड़ देगा, माता भी छोड़ देगा। भारत में तो कुछ निभाया भी जाता है, अमेरिका जैसे देशों में तो कोई रिश्ता भी नहीं। 18 साल का हुआ नहीं तो माता पिता उसको अलग कर देंगे, और जब वही पिता बूढ़ा होता है तो बेटे के पास भी समय नहीं, वो भी फोन से ही पूछ लेगा कैसी तबीयत है। कभी कभी वर्ष में एक दो बार जाकर के उनके निवास में, वृद्धाश्रम में मिल आएगा, कोई आत्मीयता नहीं, क्योंकि ये संसार है। यह संसार राग और द्वेष का है। जहाँ रज और तम की अधिकता है उसमें कभी भी प्रेम नहीं हो सकता। देखिए, नागिन जब बच्चों को पैदा करती है तो जितने बच्चे उसके गर्भ से निकलते जाते हैं सबको खाती जाती है, अपने ही बच्चों को निकलती जाती है, जो भाग गया वो बच गया। कहने का अर्थ क्या है, आप तमोगुण की इस दुनिया में किस प्रेम की खोज कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, जब मैं आप सुंदर साथ को ये कहता हूँ कि यदि आप चितवनी का रस पाना चाहते हैं, प्रेम में डूबना चाहते हैं, इतने बैठे घर जागे धाम की स्थिति को पाना चाहते हैं, तो आपको सात्विक बनना ही पड़ेगा। और सात्विक होने के लिए सतोगुणी भोजन करना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है ये बात कहते कहते कम से कम 20 वर्ष हो गए हैं। यहाँ जब से कार्यक्रम बन रहा है, 2003 में शायद मंदिर की स्थापना हुई थी, यहाँ आता रहा हूँ, 18 वर्ष कितने हो गए, 18 वर्षों से अधिक वर्ष हो गए, अब 19 वर्ष बीत गए हैं, कोई परिवर्तन नहीं देखा। 10% परिवर्तन हुआ, अभी भी गुजराती भोजन अलग बनेगा, उसमें खूब तेल खूब मिर्चा पड़ेगी। गुजरात का सुंदर साथ राज्य को छोड़ देगा, प्रेम छोड़ देगा, मिर्च नहीं छोड़ेगा, तो आप बताइए आपको क्या मिलेगा। आप वाणी तो पढ़ सकते हैं, जब तक रज और सत को भी पार नहीं करेंगे प्रेम कहाँ से होगा। आप चौपाइयाँ पढ़ लेंगे, रात भर गरवे नाच लेंगे, प्रेम नहीं आएगा। जो पन्ना जी में चितवनी शिविर लगा उसमें 15
मार्च की जो चर्चा है उसमें सरल से सरल मार्ग बताया है किस तरह से हम समाधि में पहुँचे। समाधि का तात्पर्य क्या होता है? प्रत्यक्ष दर्शन, कैसे हम समाधि तक पहुँच जाए वो बताया है। उससे अधिक सरल मार्ग जहाँ तक मेरी समझ में है अब तक किसी संत महापुरुष ने, किसी परमहंस ने न तो बताया है न किसी ग्रंथ में लिखा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा अपना ज्ञान है, मैंने तो सतगुरु के चरणों में बैठकर उस विधा को पाया है, राज्य की कृपा की छत्र छाया से सरलतम मार्ग सबके सामने प्रस्तुत कर दिया कि अब कोई ये गिले शिकवे न करे कि हमको तो किसी ने कहा नहीं। लेकिन मैं जानता हूँ सब सुनेंगे कहेंगे लेकिन तामसिक आहार छोड़ने के लिए कोई राजी नहीं है, क्योंकि ये जीवा आप जानते हैं, इस जीवा ने न जाने कितने कितने आश्चर्यजनक कर्म कराए हैं। सीता की एक कड़वी बोली से रामायण का युद्ध हुआ, द्रौपदी की एक कड़वी बोली से महाभारत का युद्ध हुआ जिसमें 47 लाख लोग मरे। ये जीवा चटखारे ले लेकर के व्यंजनों का स्वाद लेती है और जीव को उसमें इतनी डुबो देती है कि वही राग और तृष्णा का ऐसा कुप खुद जाता है जिसमें से हमारा जीव निकल नहीं पाता, हमारी उम्र गुजर जाती है। लेकिन आप सोचिए, आप खूब लहसुन प्याज मिर्चा की गरम गरम चटनी खाए, चार चार कप काफ़ी पी गए, तीखी तीखी मिर्चें खाए, चितवनी चरचनी याद कर लिए और ध्यान में बैठेंगे तो क्या होगा? आपका मन तो भागता रहेगा। आप एक घंटा भी शांत शरीर से बैठ नहीं पा रहे हैं, मन आपका स्थिर नहीं है, साक्षात्कार कहाँ से हो? वो गोपियाँ थीं, उनको लगा कि हमारा कृष्ण पुकार रहा है वृंदावन में। एक पलक की देर नहीं की, तामसियों ने तो वहीं शरीर छोड़ दिया, राजसियों ने उल्टे श्रृंगार किए, स्वांतिसियों से रहा नहीं गया तो उन्होंने विरह में तड़प करके घर में अपने प्राण छोड़े। आज हम सब जानते हैं लेकिन प्रेम का नशा नहीं है, क्योंकि ये परीक्षा स्थली है। पहले नादानी में थे तो बहुत प्रेम किया राज्य से, अब समझदार हो गए हैं क्योंकि ये सियाना हमें बहुत चतुराई की तरफ ले जा रहा है। वाणी का ज्ञान आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन उस ज्ञान के साथ जो राग और द्वेष जुड़ जाता है, जैसे दो मित्र हैं किसी चौपाई पर वार्ता कर रहे हैं, एक ने कहा कि तुम्हारा अर्थ गलत है, एक ने कहा कि तुम्हारा अर्थ गलत है, दोनों में मनमुटाव हो गया, दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगे, तो तुम्हारे ज्ञान का फल क्या हुआ? ज्ञान ने तो तुम्हें प्रेम के मार्ग पर खड़ा किया किंतु तुमने बैर पाल लिया। देखिए ये वाणी परमधाम का मार्ग दर्शा रही है, आपके लिए सरल से सरल मार्ग बताया गया है। इसी परिक्रमा में एक प्रकरण आता है, इस कुब्जे का प्रकरण, उसमें बताया गया है कि हमारे अंदर प्रेम कैसा कैसे पैदा हो। पूरे प्रकरण का सार क्या है? अभी आपने कीर्तन सुना, इनबित साथ जी जागिए बताएं तेवरे जीवन, श्याम श्यामा जी साथ जी जित बैठे चौक पतन। आपको जो प्रेम का स्वरूप है उसको हमें साक्षात देखना है। ब्रज में खुली आंखों से देखते थे, वो मिट्टी का तन था लेकिन राज्य का आवेश था, उससे प्रेम हो गया तो उसके पीछे सबने अपने प्राण छोड़ दिए, 36,000 ने पलक झपकते हुए प्राण छोड़ दिए। आज नख से सिख तक नूरी स्वरूप का वर्णन किया गया है, परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन किया गया है। क्यों? क्योंकि हम आंखें खोलेंगे तो ये माया का जगत दिखाई देगा। चितवनी की विधा इसलिए बताई गई है कि जब हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे, हृदय की आंखों से आत्मा की आंखों से जब देखेंगे कि हमारा परम धाम ऐसा है, रंग महल ऐसा है, यमुना जी इतनी सुंदर हैं और राज्य के श्यामा जी के नख से सिख तक का श्रृंगार ऐसा है, तो उसमें प्रेम हो जाएगा। जब वह प्रेम हो जाएगा तो ये संसार छूट जाएगा। सरल सा तरीका है इधर से नज़र हटाकर उधर करने के लिए, लेकिन वह काम कब होगा? दिल देकर। परम धाम में क्यों प्रेम है, इस संसार में क्यों नहीं प्रेम है? यदि दिल नहीं दिया तो क्या प्रेम हो पाएगा? कितना भी ऐश्वर्य हो, सभी सुंदर हो, सभी किशोर हो, हर तरह की सुख सुविधा हो, किंतु यदि एक ने दूसरे को अपना हृदय नहीं दिया तो प्रेम तब भी नहीं होगा। इसलिए
जैसे प्रेम के लिए आवश्यक क्या है, सौंदर्य आवश्यक है, प्रेम के लिए ज्ञान आवश्यक है, जो संसारिक कष्टों से निवृत्ति है वो चाहिए, जैसे ब्रज में कोई कष्ट नहीं था, रास में कोई कष्ट नहीं था, सौंदर्य है, ऐश्वर्य है, सब कुछ है, तो गोपियों और श्री कृष्ण के बीच में प्रेम हो गया। इस जागने के ब्रह्मांड में हमें वाणी की समझ है, फिर भी प्रेम क्यों नहीं आ रहा है? पति महोदय को 8 घंटे काम करना है, पत्नी को घर में सवेरे से उठ करके रात तक काम करना होता है, दोनों थक करके चूर हो जाते हैं, थोड़े समय के लिए भेंट होती है, बच्चों को सवेरे से लेकर शाम तक उनको होमवर्क ट्यूशन न जाने कितनी झंझटी होती है, यहाँ तो किसी को फुर्सत ही नहीं है, सभी काम में लगे हैं क्योंकि तृष्णा ने सबको खींच रखा है। सभी कहते हैं खाने की मेज पर थोड़ी देर के लिए बैठ जाएंगे, और आजकल तो मोबाइल ने सबके बीच में दूरियाँ बढ़ा दी हैं, पति महोदय अलग मोबाइल चला रहे हैं, पत्नी अलग चला रही है, बच्चे अलग चला रहे हैं, किसी को किसी से स्नेह ही नहीं रह गया है। आप सोचिए इस मायावी जगत में यदि आपको प्रेम पाना है तो क्या करना पड़ेगा। अभी आपने चौपाई सुनी, दिल दे बिहार करत हैं ले दिल धनी अंतर, दिल दे बिहार करत हैं ले दिल धनी अंतर, आप अपना हृदय राज्य को दीजिए और अपने हृदय में राज्य को बसाइए। लेकिन ये दोनों काम हमसे नहीं हो पा रहा है। राधा कृष्ण सीरियल में कुछ बातें बहुत अच्छी दिखाया था शुरू शुरू में, अब मुझे तो मालूम नहीं आजकल क्या चल रहा है, सुनने में आता है तरह तरह की कहानियाँ आ गई हैं, कुछ बातें बहुत अच्छी दिखाया है जो हमारे लिए सीखने लायक है। जैसे कंस के पास जब जाना होता है राधा को, कृष्ण मना कर देते हैं कि मैं नहीं जाऊँगा, राधा रूठ करके जाती है, कृष्ण ने आवाज़ देकर कहा कंस, राधा को तलवार से मारना चाहता है, कृष्ण वहाँ प्रकट होकर के आवाज़ से कहते हैं कि राधा अपने अंदर बैठे हुए कृष्ण को पुकारो। वो क्या दर्शाना चाहते हैं कि जो इन नयनों से तुम कृष्ण को देख रही हो केवल वही कृष्ण नहीं है, तुम्हारा असली कृष्ण तो तुम्हारे हृदय में बसता है, हमको ये विश्वास ही नहीं होता। सुंदर साथ जी कहाँ जाते हैं सबसे ज़्यादा, पता चल जाए कि अमुक समाधि पर जाने से, अमुक मंदिर पर जाने से, अमुक बड़े स्थान पर जाने से हमारी कामना पूरी होती है तो वही जाएंगे। किसी की आस्था खिजड़ा वृक्ष पर है तो किसी की आस्था खड़ाऊ पर है तो किसी की आस्था समाधि पर है। कोई सोचता है कि देखिए इतने लाख का सोने का सिंहासन है, इतना कलश है, वहाँ बड़ी शक्ति होगी। अरे भाई सारे ब्रह्मांड को हीरे मोतियों से भी भर देंगे तो राज्य कहाँ से आ जाएंगे। जिस राज्य को खोजना चाहते हैं वो तो आपके हृदय मंदिर में बसता है। हक नजीक से रग से आड़ू पटना द्वार, खोली आंखें समझ की देखती न देखे भरदार। कल्पना कीजिए आप किसी पहाड़ी पर चल रहे हैं, वहाँ कोई मंदिर नहीं है, आपके कोई साथ नहीं है, आपका पैर फिसल गया, आप गिरने लगे, क्या करेंगे? हृदय से यही आवाज़ निकलेगी राज्य बचाओ। आपने किसको पुकारा? वो राज्य जो किसी मंदिर में नहीं बसते हैं, वो राज्य जो आपके हृदय में बसते हैं दिन रात, लेकिन ये पहचान आपको नहीं। कृष्ण राधा के ऊपर संकट डालकर बताना चाहते हैं कि कंस तुम्हें तलवार से जब मारने वाला है, राधा को लगता है कि अयन को पहचान नहीं पा रही, अयन तो भाग निकलता है। राधा सोचती है कि अब तो प्राण निकलेंगे, इससे पहले वह कृष्ण को पुकारती है और उसकी आदत बन जाती है। जब भी संकट आता है, कई बार राधा के ऊपर संकट आते हैं, हमेशा आंखें बंद करके कृष्ण कृष्ण पुकारती है। उसको विश्वास है कि मेरा कृष्ण मेरे हृदय में भी रहता है। आप भी जिस दिन विश्वास कर लेंगे कि मेरे राज्य हर पल हमारे हृदय में रहते हैं, आपको उससे प्रेम क्यों नहीं होगा? आप बाहर क्यों खोजते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ अब मंदिरों में जाना बंद कर दीजिए, आपकी जहाँ इच्छा हो जाइए, लेकिन मंदिर में भी दर्शन करते हैं तो युगल स्वरूप का भाव लेकर के दर्शन कीजिए, क्योंकि आपके आराध्य कौन है? युगल स्वरूप। ब्रज में ये पता नहीं था, रास में सुंदर मनोहर रूप दिख रहा है, प्रेम के विलास की लीला होती है, लेकिन यह पता नहीं कि हमारा मूल घर कहाँ है। आज जागने के ब्रह्मांड में आपको सब कुछ पता है, संबंध का पता है, मूल घर का पता है,
नख से सिकतक राज्य श्यामा जी के श्रृंगार का पता है, आपको अपनी परात्म का भी श्रृंगार पता है। आप जानते हैं कि हम भले ही पुरुष तन में हैं या स्त्री तन में, 80 साल के वृद्ध हैं या 16 साल के कुमार, कोई अंतर नहीं पड़ता। जब आप अंतर्दृष्टि देखेंगे तो आपको क्या लगेगा कि मैं तो परम धाम की ब्रह्मात्मा हूँ और मेरी परात्म मूल मिलावे में बैठी है। इस भावना में डूबकर आप जब भी पुकारेंगे, प्राण की नली से भी वो निकट है। आपका कोई भी संबंधी इतना निकट नहीं, आपका कोई भी संबंधी, चाहे पिता हो, माता हो, भाई हो, बंधु हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी इतना प्रेम नहीं करता जितना राज्य करते हैं। बस अपने हृदय में पुकारने की आवश्यकता है, किंतु यही काम हमसे नहीं हो पा रहा है। अभी देखिए सारे देश में कैसी पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं चल रही है। यदि अभी तपती दोपहरी है गुजरात में तो शोभा यात्रा निकाल दिया जाए, सबके अंदर ताकत आ जाती है। 12 बजे की तपती दोपहरी में कूद कूद कर नाचने के लिए सबके पास ताकत है, क्योंकि मिर्च के पकौड़े खा लेने हैं, गर्मी रहती है, खूब नाचते हैं। उन सबको कह दिया जाए कि भाई चितौनी में बिना हिले डुले एक घंटे बैठना है, आपको इसी कमरे में बैठा दिया जाए, उससे भागना शुरू कर देते हैं। क्योंकि 300 वर्षों से परंपरा चली आ रही है, शोभा यात्राओं में 3 दिन का कार्यक्रम होगा, एक दिन शोभा यात्रा जरूर निकालनी है। असली जो कार्य है, आप बाहर भटकते भटकते इतने भटक गए हैं कि उस भटकाव से जब खींचा जाता है तो आप चीखने चिल्लाने लगते हैं कि हमारा आनंद छीना जा रहा है। आपका आनंद बाहर नहीं मिलेगा, आपका अखंड आनंद आपकी आत्मा के धाम हृदय में बसता है। आप श्रृंगार ग्रंथ का दूसरा प्रकरण पढ़िए, हुक्मे इश्क का द्वार खुलिया है। ये प्रकरण में क्या कहा है, अब हुक्मे द्वारा खुलिया, लिया अपने हाथ हुक्म, दिल मोमिन के आए के अर्ज कर बैठे कसम। कहाँ है प्राणेश्वर आपका, आपकी आत्मा के धाम हृदय में। उस प्रकरण में बताया गया है कि पुखराज कहाँ है, आपकी आत्मा के धाम हृदय में। आपकी आत्मा यदि धाम की शोभा को प्राप्त कर लेती है, धाम की शोभा कब मिलेगी, जब उस पर परम धाम के ज्ञान का प्रवेश होगा। हक किलम जित पहुँचा तित अर्श हुआ तिल हक, इस ज्ञान ने, इस तारतम्य ज्ञान के प्रकाश ने आपको अटूट निष्ठा दी, अटूट समर्पण की बात सिखाई, और उससे जब प्रेम प्रकटा, ज्ञान रूपी फल का जो परिपक्व रस है वह है प्रेम। प्रेम का रस बहा, उसमें शोभा झलकार करने लगी, उसको कहते हैं अर्शदिल। उस अर्शदिल में क्या है, मानिक पहाड़ के हिंडोले हैं, परम धाम के 25 पक्ष हैं, अर्श पहर की लीला है, युगल स्वरूप मूल मिलावे की सारी शोभा है उसमें बैठी हुई नजर आएगी। लेकिन आप तो बाहर भटकने में ही सब कुछ अपनी ऊर्जा लगा देते हैं, क्योंकि आपने संसार के लोगों को देखा है कि वो ऐसा करते हैं, वो भी लेट कर परिक्रमा करते हैं। गुजरात से न जाने कितनी पद यात्राएँ पहले बहुत चला करती थी, अब तो मुझे लगता है कि कुछ कम हो गया है। सुंदर साहब बेचारे महीनों लगा लगा कर पाँव सुजा सुजा करके पन्ना जी पहुँचते थे, क्योंकि एक परंपरा चला दी गई थी। जब कभी संसाधन नहीं थे, पैदल चल चल कर लोग पहुँचते थे। वाणी का प्रकाश क्या कह रहा है, वाणी का प्रकाश यही कहता है कि वो कहीं दूर नहीं है। ऊपर तले अर्श ने कहिया, अर्श कहिया मोमिन कलो। जब आप आंखें बंद करके राज्य को देखेंगे तो मौत भी आई होगी तो टल जाया करेगी। उनको पाने के लिए लेट लेट के परिक्रमा करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो संसार के लोगों की रीति है। आप प्रेम के द्वारा माया के बंधनों को पार कर लीजिए, रज और तम से परे हो जाइए, सतोगुण को भी बाद में छोड़ दीजिए। सतोगुण इसलिए आवश्यक है कि सतोगुण में ही आपके मन में चितवनी की भावना पैदा होगी। यदि आप तामसिक स्वभाव के हैं तो आपका मन ध्यान चितवनी में लगेगा ही नहीं, आप शांति से बैठ ही नहीं सकते। इसलिए अपने भोजन को सात्विक बनाइए, अपनी वाणी को सात्विक बनाइए, अपने व्यवहार को सात्विक बनाइए, और इसी सात्विक जीवन शैली के द्वारा चितवनी में डूबकर सतोगुण को भी छोड़ दीजिए। तब आपकी अवस्था क्या हो जाएगी, त्रिगुणातीत। प्रेम तो शब्दातीत कहिया, जो हुआ ब्रह्म के घर, सो तो निराकार के पार इत दुनी पावे क्यों कर। इस पूरे प्रकरण में यही बताया गया है।
कि क्यों न हो ये प्रेम इनको, ब्रह्म सृष्टियों में क्यों प्रेम है, हमारे अंदर प्रेम क्यों नहीं? जब हम ब्रह्म सृष्टि हैं तो यहाँ संसार में हमारे अंदर भी प्रेम होना चाहिए, लेकिन नहीं, हमारा जीव रज और तम की गहरी रस्सी से अपने को इतना बांध चुका है कि वो सतोगुण में जाना नहीं चाहता। उस अवस्था में यदि पल भर का भी प्रेम मिल जाए, आप देखिए इस समाज में भी झगड़े होते हैं। 1200 परायण हुए थे बहुत वर्ष पहले पन्ना जी में, उस समय भी झगड़ा लगा था, लगता था कि सुंदर साथ का सिर फोड़ देगा। कोई किसी पर हथियार उठाता है, कोई किसी को कटु शब्दों से बोलता है, तो बोलने से पहले वो देखे कि किसको बोल रहा है। जिसको कोई कटुवचन कह रहा है या कोई किसी पर डंडा उठा रहा है, उसके अंदर परम धाम की ब्रह्मात्मा होगी तो परम धाम में क्या जवाब देंगे आप? परम धाम में क्यों प्रेम है? क्योंकि राज जी अपने से अनंत गुना श्यामा जी से प्रेम करते हैं, श्यामा जी अपने से अनंत गुना सखियों से प्रेम करती हैं, और सखियाँ अपने से अनंत गुना राज जी और श्यामा जी से प्रेम करती हैं। संसार में होता क्या है, सब अपने से प्रेम करते हैं। पति कमा करके लाएगा, कुछ पैसा पत्नी को देगा, कुछ अपने लिए छिपा कर देगा। बच्चे कमा कर लाएंगे, वो सोचेंगे कि मेरा क्या होगा। हर कोई अपने बारे में पहले सोचता है, दूसरे के बारे में बाद में। बच्चे जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, बच्चे कमा कर लाएंगे तो पहले सोचेंगे कि पहले अपने लिए बचा लो, इसमें से बचा करके माता पिता को बाद में देना है। संसार में यही कहानी है, हर प्राणी पहले अपने लिए जीता है। हाँ, बचपन में जो माँ होती है, एक आदर्श माँ की बात कर रहा हूँ, भौतिकवादी माँ की बात नहीं, वो स्वयं भूखी भी रहेगी तो पहले अपने बच्चे को दूध पिलाना पहले चाहेगी, और उस दुग्धपान को करने वाला बच्चा निश्चित ये है कि मातृभक्त होता है। सृष्टि में जिस दिन हर कोई दूसरे के बारे में सोचना शुरू कर देगा, देखिए अपने बारे में सामान्य व्यक्ति सोचता है, परिवार के बारे में उदार हृदय वाला व्यक्ति सोचता है, पूरे समाज के विषय में महान व्यक्ति सोचता है, पूरी सृष्टि के कल्याण करने के विषय में कोई महानतम व्यक्ति सोचता है। परम धाम में तो सोचने की बात ही नहीं है, हर कोई अपने से दूसरे को अनंत गुना प्रेम कर रहा है, तो प्रेम क्यों नहीं होगा? इस संसार में यही नहीं हो रहा है, न हम राज्य को दिल देना चाहते हैं, न राज्य से प्रेम कैसे कर सकते हैं। हम प्रेम प्रेम तो करते हैं कि राज्य हमको प्रेम दे दीजिए, सब अंग हमारे हक हाथ में इश्क मांगे रोए रोए, सब अंग हमारे बांध के हक आप करें हासिल हो, हमारे हाथ बंधे हुए हैं किससे, सत्व रज तम की रस्सी से। अब तो सुंदर साथ में भी ये बीमारी चल गई है, शराब पिया जा रहा है, सुंदर साथ भी आजकल पीने लगे हैं। ये मेरी बात YouTube से जा रही होगी, दुखदाई है। जिनके लिए कहा जाता था कि रहवे निर्गुण हो के आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहाग्नि कबू न दिखा बिके, यदि सुंदर साथ नशे का सेवन करेगा तो आप सोचिए उसके लिए तमोगुण रजोगुण के बंधन कितने गहरे हो जाते हैं। एक चीज याद रख लीजिए, साफ दिल सुहाग्नि कबू न दुखावे की। मेरा समय पूरा हो गया है इसलिए मैं विषय को शीघ्र प्रतिदिक समेट रहा हूँ। आप अपनी वाणी को कोमल बनाइए, ये मोहे सहयो न जावे जो कहे कटुक साथ में कटुक वचन। अपनी वाणी से कभी भी किसी को आहत न कीजिए, कोई ऐसा कार्य न कीजिए किसी का हृदय कष्ट हो। जिस दिन आप दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट समझेंगे, उस दिन आपका हृदय इतनी ऊंचे स्तर पर पहुंच जाएगा कि अमूमन आपके अंदर प्रेम पैदा होगा। प्रेम किससे किया जाता है? दूसरों से। सबके अंदर यदि आप परम धाम की आत्मा के दर्शन करने लगें, उसी भाव से उसको देखें, प्रत्यक्ष तो क्या, सपने में भी किसी को दुख पहुंचाने की कल्पना न कीजिए, चाहे वाणी से, चाहे आचरण से, चाहे किसी भी तरह से। सबका भला सोचिए और शांत मन से बैठकर एक घंटे के लिए, दो घंटे के लिए युगल स्वरूप को नख से सिख तक अंत के चक्षुओं से देखने का प्रयास कीजिए। समय बदलने लगेगा, रज और तम के विकार जलने लगेंगे,
सत्वगुण की अवस्था आएगी। एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी आंखें आंसुओं से भीगी होगी, आपको संसार नहीं दिख रहा होगा, प्रेम का झोंका आता जाएगा, नख से सिख तक युगल स्वरूप आपके धाम हृदय में ही जगमगाती हुई नजर आ जाएगी। लेकिन इसके लिए तो ये लहसुन प्याज मिर्च गरम गरम काफ़ी ये सब मोह छोड़ना ही पड़ेगा। आप सोचते रहें कि ये भी ले लें वो भी ले लें तो शायद आपको वो सुख नसीब नहीं होगा। एक सुंदर साथ से पूछा गया था, तुम राजू स्वामी को गालियाँ क्यों देते रहते हो? उस सुंदर साथ ने कहा कि वो हमको अचार खाने से मना करते हैं। अरे भाई, मैं मना करता हूँ तो कुछ भलाई के लिए मना करता हूँ, यदि तुम्हें पसंद नहीं है तो खाओ, लेकिन राज्य का सुख नहीं मिल पाएगा। जो राज्य ने चितवनी के द्वारा हमें सुख देने के लिए ये वाणी उतारी है, इस कुब्जे के प्रकरण में क्या कहा गया है? निस्नी रंग मालन में जित साथ समाजी श्याम, याद करो सुख शुभ अंगो जो करते अठ हो जाओ। उस शोभा को, उस लीला को, उस नख से सिख तक अनंत सौंदर्य को अपने हृदय में बसाइए, आपको बुढ़ापे का कष्ट नहीं लगेगा, मौत का कष्ट नहीं लगेगा, रोगों का कष्ट नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी दृष्टि आत्मिक हो जाएगी और इस संसार में भले ही रहेंगे। करोड़ों ब्रह्मांडों में जो प्रेम नहीं है, त्रिगुण के पास ब्रह्मा विष्णु महेश को भी जो प्रेम का ही रसधारा प्राप्त नहीं, जो बेहद मंडल में नहीं है, परम धाम का प्रेम आपकी आत्मा में हिचकोले मारने लगेगा और तब आप नहीं कह पाएंगे कि रांची श्यामा जी हमसे दूर है। इसलिए आपको पता है मैं एक मिनट भी अधिक बोलना पसंद नहीं करता। जैसा मंच मंदिर का आदेश हुआ, समय की प्रतिबद्धता, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आज घर जाने की जल्दी है, मैं अपने विषय को समाप्त कर रहा हूँ। अभी कल भी समय है, राज्य ने चाहा तो और बताने का प्रयास करेंगे। प्रेम आपके जीवन का हार है। ब्रह्मसृष्टियों का प्रेम यदि पाना चाहते हैं तो मैंने एक सरल तरीका बता दिया कि परम धाम के प्रेम को इस संसार में हमें कैसे धारण करना है, क्योंकि प्रेम आए बिना युगल स्वरूप की छवि आपके हृदय में नहीं होगी और युगल स्वरूप की छवि को बसाए बिना आप इस संसार में जागने का सुख नहीं ले पाएंगे। प्रेम आए बिना आपके हृदय के विकार नहीं मिटेंगे। एक चीज याद रखिए, प्रेम की पात्रता के लिए किरंतन में एक बहुत अच्छी चौपाई आई है कि बचने कामस काटिए राखिए नहीं रज मात्र, जो गवाई सर्वे जीतिए त्यारे थइए प्रेम ना पात्र। प्रेम का पात्र बनने के लिए मैंने सरल तरीका बता दिया है, इससे सरल तरीका मुझे नहीं लगता कि कुछ और होगा। राज्य को आप अपना केवल दिल दे दीजिए, जो कुछ हुआ है तुमसे हुआ है, जो कुछ होगा तुझसे होगा, जो कुछ है तू है, मैं तो तुम्हारी किया, बस इतना याद रख लीजिए। आगे का काम तो राज्य को करना है, बस दिल दीजिए, सच्चे दिल से दीजिए, केवल मुँह से कहें नहीं कि राज्य सब कुछ तो आप ही हो। जैसे कहावत कही जाती है ना, कोई किसी के घर जाता है तो क्या कहते हैं कि सब कुछ तो आपका ही है, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। लेकिन चार दिन ठहर जाइए तो सोचेंगे कि कब जाएंगे, ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे। उसी तरह से आप भी राज्य को धोखा मत दीजिए। राज्य को दिल दिया है तो राज्य के स्थान पर, आपके हृदय के सिंहासन पर कोई और न बैठे। आप घर से सारे संबंध निभाइए, पत्नी से, पति से, माता पिता से, सबसे रिश्ते निभाइए, सारा काम कीजिए, लेकिन आपके हृदय में पहला स्थान राज्य का होना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि सुंदर साथ को ये वचन अच्छे लगे होंगे और आप सभी इस कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। छुपाते रहे बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, क्यों ना होए प्रेम इनको, जाके वस्त्र भूखन साजत है सब अंगों, धाम धनी कारण, धाम धनी कारण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।